नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह एवं माननीय राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने किया चिकित्सालय, तहसील सदर बालिका आश्रम पद्धति, सेखू कला, गौ आश्रय स्थल विष्णुपुर, मलिन बस्ती बलरामपुर का औचक्य निरीक्षण। तहसील निरीक्षण के दौरान मंत्री ने गायब नाजिर एवं रजिस्ट्रार कानूनगो को निलंबित किए जाने का दिया निर्देश। मंत्री जी ने की जनपदीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की बैठक, सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने का दिया निर्देश। साथ ही उद्यान कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश दिनेश प्रताप सिंह एवं राज्य मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान श्री बलदेव सिंह औलख जी द्वारा जनपद के भ्रमण के दौरान विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं लाभार्थियों से संवाद किया गया। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। बलरामपुर में शुक्रवार ग्राम पंचायत मैना हवा के प्रगतिशील किसान राजकुमार वर्मा पुत्र शीतला प्रसाद के गन्ना प्रक्षेत्र पर बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड इकाई तुलसीपुर द्वारा गन्ना विभाग के मुखिया डॉक्टर राजेश प्रताप शाही ने फीता काटकर मानसून गन्ना बुवाई का शुभारंभ किया। डॉक्टर राजेश प्रताप शाही ने बताया कि परिक्षेत्र क्रय केंद्र खैरनिया का क्षेत्र असंचित व ऊंची जमीन है। मानसून गन्ना बुवाई वैज्ञानिक तकनीक एवं क्रूड से क्रूड 3 फीट दूरी तथा खाली जगह में 2 लाइनों के बीच अंतर्वर्तीय फसल के रूप में फसल लगाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंधक गन्ना राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु परिवर्तन, औषध मौसमी दशाओं में बदलाव आ रहा है, जिससे औसत तापमान 5 सेंटीग्रेड बढ़ गया है। गन्ना नमी एवं गर्म जलवायु और लंबी अवधि की फसल है। अगस्त से सितंबर का समय गन्ना जमाव एवं बढ़वार दोनों की दृष्टि से उत्तम है, जिस कारण गन्नों में विपरीत परिस्थितियों को सहन कर सकता है। अंततः ज़्यादा पैदावार एवं मौसम की मार से बचने के लिए मानसून गन्ना बुवाई आज की ज़रूरत है। मैं उप महाप्रबंधक गन्ना बलरामपुर चीनी मिल इकाई तुलसीपुर में हूँ। वर्तमान समय में शरदकालीन गन्ने की बुआई तेजी से चल रही है। उसी के क्रम में ग्राम मैनावा में आज प्लांटिंग हुई है, जो 0118 प्रजाति की गन्ने की बुआई हुई है। और शरदकालीन गन्ने में जो किसान इस समय गन्ना बुआई करते हैं, उसमें 20% बसंतकालीन की अपेक्षा ज़्यादा उपज होती है। और इसमें सूखा, जो शरदकालीन में गन्ना बोया जाता है, उसमें सूखा और बरसात दोनों को सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसके अलावा कीट और बीमारियों का भी प्रकोप इस समय बोए गए गन्ने में कम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय किसान गन्ने के साथ फसली खेती में आलू लहसुन, आलू प्याज, आलू मटर, आलू धनिया करके 3 महीने में अतिरिक्त फसल लेके कम से कम प्रति एकड़ 50,000 से 60,000 रुपये अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। किसानों को अतिरिक्त लाभ हो सकता है। चीनी मिल द्वारा वर्तमान में किसानों को नई प्रजातियों का बीज जैसे 15023, 14201, 118 पर्याप्त मात्रा में किसानों को आवश्यकता के अनुसार उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। इस समय चूंकि पर्याप्त मात्रा में लेबर भी उपलब्ध रहती है, बसंतकालीन की अपेक्षा ज़्यादा लेबर उपलब्ध रहती है, किसानों के पास समय रहता है और चीनी मिल के में पर्याप्त नई प्रजातियों का बीज उपलब्ध है, तो किसान जो भी नई प्रजाति चाहेंगे चीनी मिल से उपलब्ध करा दिया जाएगा। और किसानों को छूट पे इस समय एग्जा स्टाफ और कार्बन एंजाइम इत्यादि और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं चीनी मिल से। इसके अलावा एग्री इनपुट हम जैसे डीजल इंजन और लपेटा पाइप और पावर टिलर और नैपसैक मशीन, पावर नैपसैक स्प्रेयर इत्यादि एग्री इनपुट भी पर्याप्त मात्रा में 25% से 30% छूट पे किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। चीनी मिल का पेराई सत्र नवंबर के लास्ट में चलेगा, क्योंकि इस समय फसल बड़ी अच्छी चल रही है। और किसानों से अनुरोध है कि शरदकालीन में ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने की बुआई 15023, 14201, 118 प्रजाति की करें।
ताकि अपना उनका उत्पादन बढ़े और चीनी मिल को पर्याप्त गन्ना मिल सके। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। राजस्थान के बारा छिपाब दौद उपखंड एवं तहसील मुख्यालय स्थित कस्बा क्षेत्र में संचालित श्री प्रेम सिंह शिंगवानी सिंघवी राजकीय महाविद्यालय में 4 साल बाद होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर छिपाब दौद में मचा बवाल, क्योंकि पहले टिकट की घोषणा को लेकर रवि मीणा को ABVP प्रत्याशी के रूप में माला पहनाकर एवं ABVP का दुपट्टा धारण करवा दिया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद न जाने किसके दबाव में आकर या न जाने किन कारणों से रवि मीणा का टिकट काटकर अन्य किसी व्यक्ति को दे देने को लेकर क्षेत्र में हुआ बवाल। छात्र नेता रवि मीणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि ABVP द्वारा मेरे साथ धोखा किया गया है, क्योंकि पहले छबड़ा में मुझे ABVP के प्रत्याशी के रूप में ABVP के बड़े अधिकारियों द्वारा पहले मुझे टिकट दिया गया, बाद में न जाने किसके कहने पर मेरे साथ छल कपट करके मेरा टिकट काट दिया गया है। ये मामला ये था कि टिकट हमें मिल गया था ABVP से, पर हमें टिकट नहीं मिला और हमारा पूरा परिवार सब BJP में है। आज से नहीं, बहुत सालों से BJP में ये, बस हमें टिकट मिल गया था, हमारे BJP में है और हमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमें टिकट मिल चुका था और उसका बैनर भी हमें डाल दिया था, हमारे छात्र संघ अध्यक्ष रवि मीणा के नाम से सब कुछ हो गया था, लेकिन अचानक इनने साठ गांठ करके संयंत्रण पूर्ण वापिस टिकट वापस ले लिया। जाने किसका बड़े अधिकारी का इनके पास कॉल आया और इन्होंने वापस टिकट ले लिया और हमसे बोला कि अब आपका टिकट बाहर से फाइनल होगा। लेकिन उसके बाद भी अचानक यानी गुप्त रूप से टिकट दूसरे प्रत्याशी का टिकट फाइनल कर। अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और ABVP को हम नहीं आने देंगे यहाँ पे। नाम बताओ। रवि कुमार मीणा, निर्दलीय। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बरेली में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पुलिस के सभी उच्च अधिकारियों ने एक साथ मिलकर तिरंगा रूट मार्च का आयोजन सोमवार को शाम 6 बजे शहर कोतवाली से नवलती चौराहा, इस्लामिया मार्केट, बिहारीपुर, किशोर बाजार, बिहार बस्ती होते हुए चौपला पर समापन किया गया। बरेली जोन के अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पुलिस के सभी जवान व अधिकारी तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव हम सभी मना रहे हैं। तिरंगा जो हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, हम सभी उसके लिए सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज बरेली शहर में बरेली पुलिस के सभी जवान और अधिकारी तिरंगा रूट मार्च निकाल रहे हैं। कोतवाली सिटी से चौपला चौराहे तक का ये रूट हम लोग का रहेगा। कोतवाली सिटी से चौपला की तरफ संदेश यही देने की कोशिश है, 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस की, उसको लेकर हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं और तिरंगे का जो राष्ट्र गौरव का प्रतीक है उसके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं और आम जनता को ही संदेश दे रहे हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस और ये अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम सौहार्दपूर्ण माहौल में, उत्साहजनक माहौल में मनाएं हम लोग। धन्यवाद। अच्छा इलाज कराएं, नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का।
डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता: रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। लखीमपुर मंडी समिति में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी की बर्खास्तगी को लेकर किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का 3 दिवसीय धरना प्रारंभ। बड़ी संख्या में किसान अभी भी पहुंच रहे हैं। किसानों के खाने पीने के लिए कई जगह लंगर की व्यवस्था भी की गई है। मंच से बोले राकेश टिकैत, तो LIU के लोग यहां के जिला प्रशासन को बता दें कि 1 घंटे के अंदर पानी व शौचालय की व्यवस्था मुकम्मल करा दें, वरना हम व्यवस्था करवाना जानते हैं। यूपी के सभी कलेक्ट्रेट बंद करा देंगे। मंच से राकेश टिकैत ने दी चेतावनी कि अपना दिमाग ठीक कर लें प्रशासन के लोग। SKM नेता योगेंद्र यादव का बड़ा बयान, टैनी की बर्खास्तगी को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है सरकार। सरकार पूरी तरह से गुंडागर्दी पर आमादा है। राजापुर मंडी में किसानों का 75 घंटे का धरना जारी। राकेश टिकैत के अल्टीमेटम का असर, मंडी परिसर पहुंचने लगे मोबाइल, शौचालय व स्नान घर। खीरी महेंद्र बहादुर सिंह ने किया मंडी परिसर का दौरा। दिमाग अपने ठीक करके बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे जाने, यहाँ का प्रशासन अपने दिमाग ठीक करके ये काम कर ले, यहाँ शौचालय और पानी की व्यवस्था करवा दे, और नहीं तो जिला मुख्यालय वहां पे भी है, जितने दिन यहाँ पे धरना चलेगा जिला मुख्यालय वहां के भी बंद रहेंगे सब जगह के। यहाँ LIU के लोग, अधिकारी कोई हो तो एक बार यहाँ पे मंच पर आ जाए। 75 घंटे यहाँ पर हमको रहना है। अगर नहीं सुविधा दोगे तो सुविधा हम लेना जानते हैं कि सुविधा कैसे ली जाती है। अपना दिमाग ठीक कर ले प्रशासन और यहाँ की सरकारें, मतलब उनके कहने से आप काम करेंगे कि उनको पानी नहीं देना, वहां पे कोई सुविधा नहीं देनी। 1 घंटे का समय है, नहीं तो 1 घंटे बाद में जिला मुख्यालय पे जो लोग यहाँ नहीं आ रहे वे जिला मुख्यालय पे जाएंगे और 3 दिन तक वहीं रहेंगे वे सब लोग। यहाँ का जो LIU के लोग हैं बयान कर एक बार जवाब दे दे हमको, प्रशासन क्या चाहता है? पानी हम लेना जानते हैं, कैसे पानी मिलता है? धन्यवाद जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता: राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता: रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।
जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी, बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी, वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर।